किताबे हयात से जुबूर 135, खुदावंद मालिक और मोहसिन की तमजीद। हैलेलुया। खुदावंद के नाम की हम्द करो, ऐ खुदावंद के बंदो हम्द करो। तुम जो खुदावंद के घर में, हमारे खुदा के घर की बारगाहों में हाजिर रहते हो, खुदावंद की हम्द करो। क्योंकि खुदावंद नेक है, उसके नाम की मधा सराई करो कि ये दिल पसंद है। क्योंकि खुदावंद ने याकूब को अपने लिए, यानी इसराइल को अपनी खास मिल्कियत होने के लिए चुन लिया है। बस मैं ये जानता हूँ कि खुदावंद अजीम है और हमारा मालिक सब माबूदों से बालातर है। खुदावंद जो कुछ चाहता है आसमान और ज़मीन पर या समुंदरों और गहराओं में वही करता है। वो ज़मीन की इंतहा से बादल लाता है, वो बिजलियों से बारिश बनाता है। वो अपने मखजनों से हवा निकालता है, उसी ने मिस्र के पहलोठों को मारा, क्या इंसान के क्या हैवान के। ऐ मिस्र, उसने तुझ में फिराउन और उसके कुल खादिमों पर करिश्मे और अजायबात जाहिर किए। उसने बहुत सी कौमों को मारा और ताकतवर शाहों को कत्ल किया, यानी शाह अमूरीन सहून को और शाह बाशान औज को और कुल शाहाने कैनान को, और उसने उनकी ज़मीन मीरास कर दी, यानी अपनी उम्मत इसराइल की मीरास। ऐ खुदावन, तेरा नाम अबदी है। ऐ खुदावन, नसल दर नसल तेरा जिक्र है। क्योंकि खुदावंद अपनी उम्मत का हामी है, क्योंकि खुदावंद अपने बंदों पर मेहरबान है। गैर कौमों के बुत चांदी और सोना और इंसान की दस्तकारी हैं। उनका मुंह है पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं, कान हैं पर वो सुनते नहीं, और उनके मुंह में सांस है ही नहीं। जितने ऐसों को बनाते या उन पर भरोसा रखते हैं, वो सब उन्हीं की मानिंद हो जाएं। ऐ इसराइल के घराने, खुदावंद को मुबारक कहो। ऐ हारून के घराने, खुदावंद को मुबारक कहो। ऐ लावी के घराने, खुदावंद को मुबारक कहो। ऐ खुदावंद से डरने वालों, खुदावंद को मुबारक कहो। सहून की तरफ से खुदावंद को मुबारक हो, वो यरूशलेम में सुकूनत पजीर है। आमीन।